वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र मुकुट महल के पीछे मंगतपुरम गरीब बस्ती में सनातन धर्म के मानने वाले 400 गरीब लोगों का धर्मांतरण कराया गया। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के दौरान कुछ क्रिश्चियन लोगों ने इन गरीब लोगों को खाने पीने की चीजें और कुछ पैसों का लालच देकर धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रेरित किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना के समय तो गरीबी और भुखमरी को देखते हुए ये लोग लालच में आ गए और अब क्रिश्चियन लोग चाहते हैं कि ये लोग पूरी तरह से उनके धर्म को अपना लें और क्रिश्चियन बन जाएं, जो ये लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इन गरीब लोगों का पक्ष लेते हुए और इनको इंसाफ दिलाने की अपील करते हुए मेरठ महानगर बीजेपी के मंत्री दीपक शर्मा इन सैकड़ों लोगों को लेकर SSP ऑफिस पहुंचे। देखिए दीपक शर्मा की रिपोर्ट। भैया क्या नाम है आपका और क्या मामला है? मेरा नाम दीपक शर्मा है और मैं महानगर में मंत्री हूँ मेरठ महानगर भारतीय जनता पार्टी में। ये जो आप मेरे पीछे जो जनसमूह देख रहे हैं इनमें माता और बहनें भी हैं। ये विषय ये है कि ये थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र में CO ब्रह्मपुरी सर्किल है और मुकुट महल होटल के पीछे एक मलिन बस्ती है मंगतपुरम। वहाँ पर ये सब लोग गरीब लोग हैं, सनातन धर्म के मानने वाले हैं और हिंदुत्व के मानने वाले हैं। वहाँ पर लॉकडाउन के समय कुछ क्रिश्चियन लोगों ने वहाँ एक इनको खाने पीने की कुछ व्यवस्था कर इनको लालच देकर कुछ पैसे देकर इनको धर्म परिवर्तन की ओर प्रेरित किया। और वहाँ पर अगर आप जब लोग जब जाएंगे और देखेंगे तो वहाँ एक अस्थायी रूप से एक बहुत बड़ा चर्च भी बना दिया है। ये एक बड़ा विषय है मेरठ जैसे शहर में, इतने संवेदनशील शहर के अंदर अगर इंटेलिजेंस भी इस चीज़ को नहीं देख पा रही है और वहाँ पर एक धर्म परिवर्तन का इतना बड़ा विषय बन गया है। अब समस्या इन लोगों की क्या है कि पहले तो कुछ पैसे का लालच और भुखमरी के कागार पे तो कुछ खाना भोजन भी मिलता रहा, लेकिन अब वो लोग चाहते हैं कि इनके देवी देवता ये अपने घरों से बाहर फेंक दें और 100% क्रिश्चियन हो जाएं, जो ये 100% स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब ये विषय बहुत दिन से चल रहा था, आज ये मेरी जानकारी में आया, ये लोग मेरे पास आए। सर कितने लोगों को अब तक धर्म परिवर्तन? वहाँ लगभग 400 लोगों को वो लोग अपने प्रभाव में ले चुके हैं और 400 लोगों का लगभग संख्या जो अब तक समझ में आई है कि वो लोग 400 लोग के करीब संख्या करने के कितने रुपए दिए? ये तो यही लोग बता पाएंगे कितने रुपए का लगभग कितने रुपए मिले हैं जो लोगों ने किया है। जिसे मिले हैं बाकी जो वहाँ पर आए ना। अच्छा, जो लोग जिन लोगों को पैसे दिए वो तो यहाँ उपस्थित नहीं है, लेकिन ये वो लोग हैं, ये वो तबका है जो उनका विरोध कर रहे हैं। इसको लेकर इनके बीच में जो लोग बन चुके हैं वो मारपिटाई और संघर्ष की भी संभावना बन गई। हमने कप्तान साहब से सिर्फ ये कहा है कि जो जबरन धर्म परिवर्तन हो रहा है, देखिए ये देश संविधान से चलेगा, यहाँ जबरन कोई काम नहीं हो पाएगा। तो इसी दरखास्त को, इस निवेदन को लेकर हम कप्तान साहब के पास आए हैं और हम चाहते हैं कि ये जबरन कार्रवाई रुके और जो हिंदुत्व को और सनातन धर्म को मानने वाले आदरणीय योगी जी की सरकार है, मोदी जी का नेतृत्व है, तो इस प्रकार के घटनाक्रम ना बने, एक लॉ एंड ऑर्डर का पालन सब लोग करें, कोई बवाल का विषय ना बने। बस इस विषय को लेकर मैं यहाँ आया था। अभी के लिए इतना ही। हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। द गॉड्स पैलेस रिजॉर्ट, गंगा फेसिंग रेस्टोरेंट, पार्टी हाउस, डेस्टिनेशन वेडिंग, 12,500 स्क्वायर फीट में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ।